अफसोस होता है ये जान करके कि हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो कि शहीदों को शहीद ना बता करके उनको युद्ध अपराधी बताते हैं और आतंकवादियों को शहीद बताते हैं। तो ऐसे ही लोगों में एक नया नाम जुड़ गया है, महरूर परवेज। आपको बता दें, महरूर परवेज जामिया मिलिया इस्लामिया की एक लॉ की छात्रा हैं। उन्होंने हंडवाड़ा में हुए हमारे शहीदों को कहा कि आप लोग इस पर महिमा मंडल क्यों कर रहे हैं, इनको शहादत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने मानव अधिकारों का हनन किया है और ये लोग युद्ध अपराधी हैं। और रियाज नाइकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर, उसके लिए महरूर ने कहा कि रियाज नाइकू एक कश्मीर को आजाद कराने वाला शहीद था। जी हाँ, उन्होंने एक आतंकवादी को शहीद बताया और हमारी भारतीय सेना ने, वही सेना जिसने लोगों की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपको बता दें, हिंडवाड़ा में हमारे 5 सुरक्षा बलों ने अपनी जान की आहुति दे दी, केवल मात्र इसलिए क्योंकि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू ने कश्मीर के ही कुछ लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था, जिसको छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के 5 जवानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आतंकवादियों को शहीद बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को शहादत का दर्जा देता है, वैसे ही हमारे देश में भी लोग हैं और उनमें महरूर परवेज नाम की एक लड़की का एक नया नाम जुड़ गया है। अब महरूर परवेज के ऊपर क्या कुछ एक्शन हुआ है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। महरूर परवेज के ऊपर यूपी के खुर्जी में एक FIR दर्ज हुआ है, और तो और गुलावटी शहर के 2 बजरंग दल पदाधिकारियों ने महरूर परवेज के ऊपर देशद्रोह का कानून लगाने का भी उन्होंने मांग करी है। और तो और उन बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ये भी मांग करी है कि अगर तुरंत जिला पुलिस ने महरूर परवेज को गिरफ्तार नहीं किया तो वो लोग सड़क पे उतर जाएंगे और आंदोलन करेंगे कि ऐसे देशद्रोहियों को तुरंत से तुरंत जेल में डालना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि महरूर परवेज के बचाव में कौन कौन से ऐसे लोग आके खड़े हुए जो कि ये बोलते हुए नजर आए कि महरूर परवेज को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो भारत जैसे देश में रह के, एक लोकतांत्रिक देश में रह के, कैसी भी कुछ भी बोलने का उनको हक है। आपको बता दें, इस्लामिक कट्टरपंथी का एक पूरा समूह उठ के सामने आया है जो कि ये बोल रहा है कि महरूर परवेज जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट के ऊपर FIR हो जाता है केवल मात्र इसलिए क्योंकि वो अपने चैनल पे जिहाद जैसी चीज़ों को दिखाते हैं, वही जिहाद जिस जिहाद ने शायद आज भारत को बर्बाद करके रख रखा है। उसी जिहाद का चर्चा सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश की थी और जिहाद की क्या कुछ कैटेगरी है ये भी बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद केरल की पुलिस ने सुधीर चौधरी के ऊपर FIR कर दिया। लेकिन उस समय ये इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग सामने नहीं आए, इन्होंने कभी भी सामने नहीं आए ये बोलते हुए सुधीर चौधरी जैसे जर्नलिस्ट को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन महरूर परवेज जहाँ पे काम करती थी एज अ इंटर्न खैतान एंड को कंपनी में, उस कंपनी ने महरूर परवेज से किनारा बना लिया है और कहा है कि महरूर परवेज जो भी कह रही हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारा उस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बात समझने वाली है कि ऐसे देशद्रोहियों को क्या हक बनता है कि वो हमारी देश की बुराई करें, हमारी भारतीय सेना को युद्ध अपराधी बताएं। और अगर हमारी भारतीय सेना एक बहुत बड़े कमांडर को मारता है, एक बहुत बड़े आतंकवादी को मारता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारतीय सेना के लिए वो चीज़ होती है, तो उस अचीवमेंट को मानव अधिकार का हनन बताएं, क्या हक बनता है लोगों का, कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, महरूर परवेज जैसी देशद्रोही का क्या कुछ इलाज है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।